वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लाई हूँ दही भल्लो की रेसिपी, जो कि घर में बहुत इजली बन जाते हैं। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं सोनिका किचन। दही भल्ले बनाने के लिए ये मैंने 2 कप उड़द की दाल ली है और इसे जो है मैंने 4 घंटे पहले भिगो दिया था। 3 से 4 घंटे आप भिगो दीजिए, बहुत अच्छे भल्ले बनते हैं। और ये देखिए, भीगने के बाद जो है ये जो फूल गई है दाल, अब जो है इसे हम छन्नी से छान लेंगे और मिक्सी में पीस लेंगे। दाल को जो है हम छन्नी में छान लेंगे जिससे कि जो है दाल में पानी ना रहे। अब दाल को जो है मिक्सी में पीस लेंगे। दाल जो है पीसने में थोड़ी हार्ड हो रही है, इसमें जो है मैं फ्रिज का ठंडा पानी थोड़ा सा डाल रही हूँ। बिल्कुल जरा सा हमें पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो है मिक्सी में पीस ली है, अब जो है इसे बड़े बर्तन में पलट देंगे। तो दाल जो है एक बार हमें चेक कर लेनी चाहिए, दाल एकदम चिकनी और स्मूथ होनी चाहिए। ये मैंने सारी दाल जो है मिक्सी से निकाल ली है। अब इसमें जो है मैं थोड़ा बारीक करा हुआ अदरक और हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। अच्छा फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा जीरा भी ऐड कर देंगे, बहुत अच्छा लगता है दही भल्लों में। नमक जो है स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। अब इस बैटर को हम अच्छे से हाथ से फेंटेंगे। दाल को हमें एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। भल्लों में बस यही है कि आप दाल को खूब अच्छे से फेंटें जिससे कि दाल जो है फ्लफी हो जाए। और दाल को हमें याद रखिए एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। दाल जो है फेंटते हुए बहुत सॉफ्ट हो गई है और इसका कलर भी बिल्कुल लाइट होता जा रहा है। तो ये देखिए, दाल का बैटर एकदम तैयार है और इसमें जो है काफ़ी सारी एयर पॉकेट बन गई हैं और कितना फ्लफी हो रहा है एकदम। दाल का बैटर तैयार हुआ है या नहीं, इसके लिए मैंने हाथ में दाल ली है। अगर ये दाल एकदम नीचे नहीं गिरती है तो एकदम बैटर जो है हमारा रेडी है भल्लों के लिए। भल्ले के लिए ये मैंने एक कटोरे में हल्का गर्म पानी लिया है। गुनगुना ही पानी चाहिए हमें, ज़्यादा नहीं, इतना होना चाहिए जिससे हम उंगली डालें तो पता चले ये पानी जो है हल्का गर्म है। और इसमें जो है हम थोड़ी हींग ऐड कर देंगे जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। बिल्कुल ज़रा सा इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी और इसको जो है हम मिक्स कर देंगे। हमें बिल्कुल ज़रा सा इसमें ऐड करना है, चाहे तो आप स्किप कर दीजिए। हमने दाल के बैटर में भी जो है नमक ऐड किया था। तो ये देखिए, तेल जो है गरम हो गया है। अब इसमें जो है हम भल्ले थोड़े थोड़े करके डालेंगे। ये देखिए, भल्ले चाहे आप छोटे बनाएं चाहे आप बड़े बनाएं। ये मैंने बड़े पैन में जो है तेल गरम करने रखा था जिससे जो है भल्ले ज्यादा से ज्यादा एक ही बारी में तल के हम निकाल लें। तो ये देखिए, भल्ले जो है मैंने ऑयल में सारे डाल दिए हैं। ये जो है हमें हमेशा मीडियम आंच पे ही बनाने हैं, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं बनाने हैं। भल्ले जो है हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब इसको जो हमने हींग वाला पानी बनाया था, अब डायरेक्ट हम उसी में भल्लों को डाल देंगे। भल्लों को जो है हम डायरेक्ट ही हींग वाले पानी में डाल देंगे जिससे ऑयल जो है सारा जो है पानी में ही रिलीज हो जाएगा। बैटर जो बचा हुआ था दाल का, उसके भी भल्ले बना देते हैं। भल्लों को हमें जो है मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, हाई या लो फ्लेम पर बिल्कुल नहीं पकाना है, नहीं तो भल्ले जो है अंदर से कच्चे रह जाएंगे। भल्लों के ऊपर जो है ऑयल हमें ऐसे डाल देना है जिससे जो भल्ले जो हैं फूल जाएं। ऐसे ही हम भटूरों में भी करते हैं, ऑयल जो है ऊपर से डालते हैं जिससे भटूरे ही फूल जाएं। तो ये देखिए, भल्ले जो हैं कैसे फूल गए हैं और जो इसमें हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब उन भल्लों को जो है हम डायरेक्ट पानी में निकाल लेते हैं। आपने जितनी क्वांटिटी दही भल्लों की बनानी हो उन्हीं आप भल्लों को खाली पानी में डालिए। बाकी भल्लों को आप एयर कंटेनर में भी डाल के फ्रिज में रख सकती हैं और ये भल्ले खराब नहीं होते हैं जल्दी। 15 दिन भी आप इन्हें फ्रिज में रखेंगी एयर कंटेनर में तो ये खराब नहीं होंगे। तो ये देखिए, ये मैंने सारे भल्ले निकाल लिए हैं। अब इन भल्लों को जो है मैं पानी में नहीं डालूंगी, थोड़े ड्राई रख लूंगी। ये देखिए, भल्लों के लिए ये मैंने फ्रिज में रख दिया था दही फैट के। और बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा दही लेना है भल्लों के लिए जिससे बिल्कुल बाजार का टेस्ट आए। बाजार का टेस्ट देने के लिए हम थोड़ी इसमें शुगर ऐड कर देंगे, पीसी हुई शुगर जो है आप अपने टेस्ट के अनुसार ही ऐड करिएगा और इसे मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, भल्ला कितना सॉफ्ट बना एकदम। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और भल्ला कितना जालीदार और कितना बढ़िया बना है ना। दाल को जो है हमें
10 से 15 मिनट खूब अच्छे से फेंटना है और एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। ये देखिए भल्ले जो हैं पानी में रखे हुए फूल गए हैं, इनका कलर भी देखिए कितना चेंज हो गया है, वाइट से हो गए हैं। ये भल्ले जो हैं एकदम फूल गए हैं पानी में। तो ये देखिए हम एक भल्ला निकाल के देखते हैं और हाथों पे रखेंगे और हल्का सा इसे प्रेस करेंगे, ज़्यादा नहीं प्रेस करना है, हल्का सा बस इसका पानी निकालना है। और इसको हर भल्ले को हम ऐसे ही प्रेस करके हाथों से पानी निकाल देंगे हल्का हल्का और इसे सर्व कर देंगे। तो ऐसे ही देखिए हमें हर भल्ला हल्का सा ऐसे प्रेस करना है और इसको जो है हम दही डाल के सर्व कर देंगे। ये देखिए भल्ले जो है मैंने एक प्लेट में निकाल लिए हैं, अब इसके ऊपर जो है हम दही डालते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए कितना बढ़िया दही लग रहा है ना एकदम। तो ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं दही से एकदम। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मीठी सौंठ डाल देते हैं। मीठी सौंठ आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें डालनी है। थोड़ी सी हरी चटनी डाल देते हैं और थोड़ा सा इसके ऊपर भुना जीरा डाल देते हैं, जो कि मैंने इसको हल्का सा रोस्ट करके पीसा था। इसके अनुसार इसमें काला नमक ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए दही भल्ले हो गए हमारे एकदम रेडी, कितने बढ़िया लग रहे हैं ना एकदम। अब बहुत ही सॉफ्ट बने हैं ये एकदम। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक व सब्सक्राइब करिएगा। Thanks for watching.